मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। अरे फैसल कुरैशी भी आ गए क्या? अच्छा हमारे शो पे। नहीं एक्चुअली कुछ लोग बड़े कमाल लोग हैं, वो अपनी नफरतों की बुनियाद पे हमारे बारे में फैसला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर लोग उनके फैसलों को गलत साबित करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, सो क्या हाल चाल है? सब सही हैं? Yes. अरे तो जोर से बोलो ना, सब सही हैं? Yes. आज हम लोग खीरे पे बात करेंगे। अरे वाह अंग्रेज, कौन यहाँ अंग्रेज कौन है? क्यूकम्बर, या क्यूकम्बर पे बात करेंगे। तो आप में से खीरे की रेमेडीज किस किस को पता है, हाथ उठाएं। क्या क्या करते हैं खीरे से? हाँ तो क्या होता है? और आंखें भी गायब हो जाती हैं? नहीं आंखें नहीं गायब होती। और क्या होता है? स्वेलिंग कम हो जाती है। तो आंखों के लिए खीरा बहुत जरूरी है, स्वेलिंग कम हो जाती है। और क्या होता है खीरे से खाने में? क्या होता है फायदे? क्या फायदे हैं खाने के? क्या फायदे बताएं? हाँ क्या? कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अच्छा खीरे से? ये नहीं पता था मुझे। खीरे से आपका वजन कम होता है। अच्छा सबसे पहले तो मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आज हमारे मेहमान हैं। बहुत सारी तालियां मदिया सैदी के लिए, बहुत सारी तालियां। और बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए, बहुत सारी तालियां। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी तालियां दरक्षा ताहिर के लिए। एंड देयर इज डॉक्टर लवली विद द लवलीस्ट कलर इन द वर्ल्ड। बहुत सारी तालियां डॉक्टर लवली के लिए। आसिम लवली। एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड मेन, बहुत सारी तालियां हमारी कैटरीना कैफ यानी रानिया। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं वाइट के अंदर। शुक्रिया। वाइट कम पहना करें। अच्छा। इस उम्र में बंदा दो ही जगह वाइट पहनता है। इस उम्र में ज्यादा पहनना चाहिए। हाँ हाँ नहीं पहनना चाहिए वाइट। क्या मतलब है अल्लाह, क्या मतलब है यार? नहीं मैंने कहा अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हाँ इसीलिए। और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। तो आज आप लोग क्या क्या भैया, आप तो नहीं करेंगे कोई रेसिपी? नहीं, मैं आज खीरे से इंस्पायर होने आई हूँ, सो दैट आई कैन स्टार्ट यूजिंग खीरा। अच्छा ओके, आप बताइए। हाँ जी, स्क्रब बनाने के लिए आपको बताने। और स्क्रब से क्या होगा? और उससे क्या होगा कि आपकी टाइटनिंग भी है और लाइक वाइटनिंग भी है और स्किन पूरी रिफ्रेश हो जाएगी। ये लीजिए माइक। सॉरी आपके पास है? स्क्रब बताऊंगी जिससे स्किन टाइट भी होगी और आपका रंग सफ़ेद होगा। करेक्ट। हल्के चले जाते हैं स्क्रब से, मतलब वो आपके क्रो फीट्स ख़त्म करेगी, लाफ लाइंस ख़त्म करेगा, तो इट्स गुड और रिफ्रेशिंग के लिए। उरूज। मैं वेट लॉस के बारे में बात करूंगी विद खीरा और एक्नी के बारे में। ऑलराइट जी। भाई मैं तो सिर्फ खाने के लिए बात करूंगी, खाया करें और इससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है, आप बहुत अच्छे रहते हैं। और इसमें काली मिर्चें कुटी हुई और नमक डाल के, वाह वाह क्या मज़ा आता है खाने का। खाया करें, क्या मतलब है? सुन बैठेंगे। जी खीरे के तो बहुत सारे फायदे हैं, इतने हैं कि हम पूरा प्रोग्राम उस पर कर सकते हैं। वाइटामिन डी नहीं, और भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं जी। अच्छा खीरे से मैं आपको एक एंटी एजिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगा और साथ साथ सन ब्लॉक, मतलब झुरियां वगैरह दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। किसी के चेहरे पे झुरियां हैं तो कोई दूर करना चाहता है झुरियों को, हाथ उठाइए।
खीरे के फवाइद सभी जानते हैं, खीरे से आज मैं बताऊंगी डिप्रेशन का इलाज, और खीरे से मैं बताऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह बेहतर खीरे से डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है, जरा ऐसा कमाल इलाज है, क्योंकि खीरा बीपी का भी ब्लड प्रेशर का भी बेहतरीन इलाज है। और ख़ास तौर से एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगी कि इस वजह से बेहतरीन है कि खीरा खा लेने से यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है और उसकी वजह से आपका डिप्रेशन रिलीज होता है, आपका जो प्रेशर है वो डाउन होने लगता है। इसीलिए मैंने कहा था खाया करें काली मिर्च और नमक डाल के, कितना मजा आएगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल नमक ना खाएं प्लीज। सुबह सुबह के वक्त हम लोग कितने अच्छे शोज करते हैं। व्हाट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द वॉशरूम, सीरियसली व्हाट टॉकिंग अबाउट रिलीजिंग द प्रेशर। सुबह सुबह के वक्त हमारे मॉर्निंग शोज को क्या हो गया है भाई? सही है ना, सुबह सुबह फिर फ्रेश भी होती है ना स्किन, आप फ्रेश हो क्या? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गाना शाना हो जाए, तालियां शालियां हो जाए। और आज आपको, और आज आपको मैं बताने वाला हूँ खीरे से दौलत कैसे कमाई जाती है। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि खीरे का कारोबार करके अमीर कैसे हुआ जाता है। आज मैं आपको खीरे से पैसा बनाने का तरीके बताने वाला हूं। आप आज प्रोग्राम देखिएगा और प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में मैं आपको तरकीब बताऊंगा, अगर आपने खीरों का कारोबार किया तो आप मिलियनेयर बन सकते हैं। हाँ तो क्या मतलब, आप लोग खीरों को बहुत लाइट नहीं ले, हल्का मतलब यार, खीरा बहुत बड़ी चीज है, सच बता रहा। हाँ वाकई, आपा का तो पता है जी, बिल्कुल आपका तो खुद अपना कारोबार है। कारोबार को चमकाऊंगी कैसे, आप बताएंगे? नहीं, बोले मैं अमीर इसीलिए हुई हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपा अमीर हुई ना तो आपा के घर का चोरों को पता चल गया, वो खीरे तो चुरा गए। पहले पहले एक महीने आए अगस्त के महीने में, फिर कहने लगे सितंबर में भी आप याद आ रही हैं, फिर सितंबर में आ गए, फिर उन्होंने सुकून का सांस लिया तो कहने लगे आप सुकून का सांस क्यों ले रही हैं, दिसंबर में फिर आ गए। तो कोई तकरीबन एक ही साल में तीन मर्तबा इनके घर में सफाया करके सिमिलर चोरों ने चोरियां की है। कुछ ऐसा हमें फील हो रहा है कि हमारे सियासतदान भी कुछ ऐसे हैं, पिछले 70 साल से लूट रहे हमको और वही वही लोग हैं, और हम फिर उन्हें जाके वोट दे देते हैं। हमारे सियासतदान भी बहुत शौक से खाते हैं खीरा। मैं एक दफा शेख रशीद साहब को देख रही थी, आगे प्लेट भरी हुई रखी थी। पहले हम बात कर रहे हैं गोइंग टू द वॉशरूम, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि शेख रशीद साहब के सामने खीरे रखे हुए थे। अरे तो हैं, हां जी, तो जरा ताली वाली बजाने शुरू करें, मुझे भी नहीं पता आज मैं कौन सा गाना गाऊंगा, तुम्हें भी नहीं पता। ये कौन सा? अबे यार ये करना है, ये शानी साहब के लिए। शानी को कब्रिस्तान में जाने का बहुत शौक है, सच बता रहा हूं, और कब्रिस्तान में जाके वो फोन करते हैं खवातीन को। आई एम नॉट किडिंग, चीता मेरा भाई चीता है, और ये जो काम करता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये पहला आदमी जो कब्रिस्तान में डेट्स पे जाता है। आई एम नॉट किडिंग, वहां जाके डेट्स तलाश करने की कोशिश करता है। I'm not kidding, हाथ उठा के कहता हूँ, जो जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। शानी भाई एक चीते आदमी है, जैसे हमारे मुल्क में बच्चे पैदा नहीं होते, चीते पैदा होते हैं। यू नो, बचपन में जब गोद में बच्चा आता है वो चीता होता है, उसे दुनिया में सबका पता होता है। कराची से खैबर तक जितने बच्चों की पैदाइश होती है पाकिस्तान में, बच्चे नहीं हैं, मर्दमशुमारी वाले गलत कहते हैं, हमारे घरों में चीतों की पैदाइश होती है। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी बनेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुक
हर जिंदगी का। अरे वाह जाग गया तुम लोग आज यार, आज बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, वाह वाह। क्या बात है, जवानी पे मेरी सितम ढाने वालो जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालो जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे। हर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी बनेगी। अजल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कहीं दो दिलों को मिलने न देगी, मिलने न देगी। इधर मेरे सीने पे खंजर चलेगा, इधर मेरे सीने पे खंजर चलेगा। उधर बिंदिया सजेगी, इधर जिंदगी का वो पर्दे के पीछे मैं पर देख आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी। सबके लिए और शानी के लिए, शानी के लिए, शानी के लिए, आई नो आई नो। 1 2 3 4। अभी उनके हंसने के दिन है वो हंसने, अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोलूं। आज तुम लोगों ने कमाल बजाया, क्या बात है। 1 2 2। अभी उनके हंसने के दिन है वो हंसने, अभी मेरे रोने के दिन है मैं रोलूं, दिन है मैं रोलूं। मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा, मगर जिंदगी
One, two, three. Thank you very much. कौन कौन मोहब्बत का मारा यहाँ मौजूद है प्लीज बता दे मुझे. I mean seriously यार, that's a nice song. बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया. आप लोगों ने, आपने भी हाथ उठाया. एंड आपने 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 हाथ लेकिन आपने सो गाया इतना अच्छा है कि मतलब वो माहौल, हाँ वो माहौल नहीं रहा कि जिसलिए छोटा सा याद रखिएगा. आज मैं आपको खीरे से वो तरकीब बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो पैसा आ जाएगा. कैसे कैसे? really देखिए मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एंड में, शो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने खीरों का कारोबार कैसे करना और मिलियनर कैसे बनना है. बस बहुत आपने आपने पूरा प्रोग्राम देखना है. लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हम रानी आपा से शुरू करेंगे. रानी आपा बताने वाली हैं हमारे मुल्क में डिप्रेशन बहुत है तो खीरे से डिप्रेशन दूर कैसे किया जाता है ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग. आइए आपको डिप्रेशन के इलाज का तरीका बताते हैं. और आप में से अगर कोई डिप्रेस है तो प्लीज आप लोग तशरीफ ले जाइए. और रानी आपा के साथ, रानी आपा आप बताने वाली है ना? बिल्कुल जी बताएं. You need to learn this. मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगी साहिर, एक छोटी सी बात कहूंगी. आपके तीन जो हैं वो बहुत ज्यादा फैंस हैं, हद से ज्यादा. उनका पहले मैसेज आप भी प्लीज उनको एक दफा कह दीजिएगा. इकरा, नीलम और रुबाब. रुबाब और इकरा तो इतनी ज्यादा कि मैं जब जाऊंगी उसका पहला सवाल अस्सलाम वालेकुम, दूसरा होता है साहिर भाई कैसे हैं. अल्लाह मैं कहती हूँ ऐसा लगता है मैं रोज मिल रही हूँ साहिर भाई कैसे. और एक चीज़ और उन्होंने और पूछी है, प्लीज आप बता दें अगर किसी को भी इधर पता हो कि जो आपकी मूवी है रास्ता उन्होंने देखने जाना है और वो हैं नाजमाबाद में, तो उससे नियरेस्ट कौन सी जगह ऐसी? आयशा मंजिल वहाँ पर आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं. बल्कि इनफैक्ट नीलम तुमको तो मैं कौन इकरा ज्यादा करते इकरा तुमको मैं टिकट देने जा रहा हूँ. Go and watch it. अगर तुम आज देखोगी जाके इसको वहीं पे सिनेपैक्स आयशा मंजिल पे तो फिर कल हम आपको टिकट प्रोवाइड कर देंगे. मैं देने जा रहा हूँ आपको. Oh, good. इकरा के मजे आ गए. वाओ. इकरा तो बहुत ही बस. तो इकरा तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो गया ना. All right, then. तो आइए आइए चलते हैं रानी आपा की तरफ. रानी आपा डिप्रेशन का पूरे मुल्क को मर्ज है पूरे और मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है बिकॉज हेलो एसी नहीं चल रहा प्लीज चला दीजिए. हाँ डिप्रेशन का मर्ज बहुत. और ये नहीं कि ये सिर्फ गरीबों का मर्ज है बल्कि ये बहुत अमीर लोगों को. अच्छा डिप्रेशन अमीरों को ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है उनको. बहुत ज्यादा पास तो टाइम ही नहीं होता. जिनमें बहुत हसद पाया जाता है उनको भी डिप्रेशन. वाकई में? जी जी बिल्कुल. रीजन ये कि हम वेंटिलेट नहीं करते अपनी फीलिंग्स. वी डोंट हैव ट्रू फ्रेंड्स. वर्चुअल फ्रेंडशिप्स हैं फेसबुक के थ्रू, रियल फ्रेंडशिप्स नहीं है. अब तो डिप्रेशन का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. क्या आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम है डॉक्टर है वो डॉक्टर नाहिद. शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. शी इज अ जेंटल सर्जन. वंडरफुल पर्सन. वंडरफुल जी. ओके तो और मेल दोस्त में कौन है? मेल दोस्त में नवाज. नवाज कैनेडा में जी. तो शादी कब हो रही है आपकी? इसी साल में हो रही है. इसको बताया था जी. जस्ट वंडरिंग. ये दोनों दोस्त आएंगे ना आपकी शादी? जी जी बिल्कुल आएंगे. आपको डिप्रेशन इस बात का तो नहीं है? नहीं मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि डिप्रेशन के लिए आप बहुत अच्छी चीज बता रही हैं. ये बहुत जरूरत है हमारे. तो नवाज और नाहिद अकेले हैं या साथ साथ? नहीं वो अलग अलग है. अलग अलग है. दोनों की शादी हो चुकी है? जी जी दोनों. ओके ओके. जस्ट वांट टू. डॉक्टर साहब ने आज शर्ट का कलर जी मैंने क्यूकम्बर के हिसाब से पहने. वाओ और ये वाइट और ग्रीन खीरा कलर. बिल्कुल खीरा कलर. अच्छा जनाब अब हम डिप्रेशन का इलाज बताने जा रहे हैं और इसके लिए तुख मलंगा ये सभी जानते हैं. एक टेबल स्पून ये एक दिन का इलाज है डिप्रेशन का और सुबह आपको करना है और इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा. तो आपको पता कैसे कि सुबह आपको डिप्रेशन है? क्योंकि सो सोचने पे तो डिप्रेशन नहीं होता. डिप्रेशन एक जिससे मेरी सीरियस क्वेश्चन है. हां हो भी सकता है. डिप्रेशन एक बीमारी है जो एक मुसलसल आदमी के ऊपर लाहक हो जाती है और कितने ही इलाज करने के बावजूद वो इससे बाहर नहीं आता. लेकिन आज अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह एक काम करते हैं पहले आपसे भी पूछते हैं और आपसे भी पूछते हैं. डॉक्टर साहब आपको डिप्रेशन हुआ है? जी हुआ. किस चीज का होता है? मेरे फादर की डेथ के बाद हुआ था डिप्रेशन. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिस्टर्बेंस. आपको डिप्रेशन हुआ? बिल्कुल मुझे डिप्रेशन हुआ. और लोगों की कोशिश होती है जो लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं या जो कोई काम कर रहे होते हैं उनको हर हालत में उनकी लेग पुलिंग करते हैं उन्होंने खींचते हैं
दैट्स वाई उस वक्त वो स्ट्रगलिंग जो पीरियड होता है उसमें जो अपनों की ज़रूरत होती है उस टाइम आप इतने क्रॉनिक किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती, आप अकेले खड़े बातें कर रहे हैं और यही आजकल अकेले खड़े बातें कर रहे हैं, अकेले खड़े बातें कर रहे हैं, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपका खाने का सिस्टम आउट हो जाता है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मरियम आपको कभी हुआ? आई थिंक मुझे अभी है डिप्रेशन, हाँ, आई एम फाइटिंग विद इट, बट आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड, सो इट्स ग्रेट बिकॉज आई रिफ्यूज टू टेक मेडिकेशन। वाह, तो आज आप ये जो मेडिसिन बना रही हैं, तो आज मदिया ने कहा है कि जी उनको उनको डिप्रेशन है, किस बात का आई डोंट नो, लेकिन वो ये कह रही है कि जी उनको है, तो आज ये मैं खुद इस मर्ज से गुजरी हूँ। अनीस साहब की डेथ के बाद मुझे इतना सीवियर किस्म का डिप्रेशन हो गया था, मुझे लगता था दुनिया अंधेर हो गई, और मैंने मेरे ख्याल में कुछ छः माह तक कोई टीवी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया, और सबसे पहले ये था कि हमारी तो रोजी रोटी का असल सबब ही अनीस साहब थे, मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, अनीस साहब की क्लिनिक का क्या होगा, हमारी ज़िंदगी अब कैसे चलेगी, और इस कदर मुझे सीवियर किस्म का हो गया था, बहुत इलाज किए लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकी, फिर ऑन द होल इलाज के साथ साथ ये रेमेडीज की, तो अल्लाह के फजल से ठीक हुए। जी उरुज, आपको डिप्रेशन हो चुका है? एंड देन हाउ डिड यू ओवरकम? ट्राई हार्ड, बट आज मैं ये इलाज देखूंगी और देखूंगी कि इससे मैं कैसे निकल सकती। तो आप दोनों को डिप्रेशन है आज? डिप्रेशन आपको कम है, आपको ज्यादा है? आप एक तस्वीर मेरी रख लें, रोजाना देखती रहे, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं रहेगा। जी आप बताइए आपको। मुझे भी बिल्कुल, मैं बहुत क्या कहते हैं, शदीद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ और गुजर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने बात की, जो सिंगल मदर होते हैं या सिंगल पेरेंट जो भी होते हैं अपने घर को लेके जो चलते हैं, तो वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं किसी ना किसी वजूहात के बिना पर। सो मेरे भी डिप्रेशन रहता है, मुझे अक्सर ये नहीं, मैं कहूँगी इस वक्त भी। आज अब मुख्तलिफ किस्म का डिप्रेशन होता है और वो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, तो आज हम आपको वो इलाज बताने जा रहे हैं जो आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, वो जो लोग जो मुझे टेलीविजन पे देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, मर्द हैं तो वो भी, ख़वातीन हैं तो वो भी, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है, आज हम आपको खीरे की मदद से बताने जा रहे हैं। जी प्लीज़ बताइए। और खीरे की मदद से ही इलाज मुमकिन है, इसमें मैंने एक दिन का इलाज ये है कि एक टेबल स्पून मैंने तुख मलंगा लिया और इसको हल्का सा फ्राइंग पैन में सौते कर लिया, इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको सौते किया, और हमने खीरा लिया एक दरमियाने साइज़ का, और खीरे की ये खूबी वज़न कम करने के साथ साथ ये भी है कि ये आपका पेट भर देता है, तो बहुत देर तक आपको खाने की क्रेविटी फील नहीं होती, क्रेविंग बिल्कुल फील नहीं होती। आप इसके लिए आप ये करेंगे कि आपने खीरे के दो टुकड़े कर लिए और ये जो हमने तुख मलंगा भून कर रखा है हल्का सा, इसको हम लेंगे और ये रात को करना है आपने, और अपने खीरे पर लेकर इस तरह हम डाल देंगे। रात को करना? रात को हम रखेंगे, रात भर ये इसके अंदर रहेगा। अच्छा, रात भर हम इसको इस तरह करके अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं हम, और इसको हम अब बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। ओके, एंड देन और उसके बाद सुबह उठते ही नहार मुंह हमें ये पूरा साबुत खीरा इसी तरह पकड़ कर और खाना है, इस तरह बिल्कुल के साथ। जी बिल्कुल, छिलके के साथ, इसे कुछ नहीं करना, रात को धोकर रखना है, और मैं दिखाने की वजह से ये लाई भी थी कि रात को मैंने इसको रख दिया था। मैंने रात को इसलिए रख दिया था कि मैं आपको सही तरीका इसका दिखा पाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, आधा आधा डिप्रेशन तो दूर हो ही जाएगा। जी आधा, देखिए अच्छा बात क्या है, देखिए ये तब तक काम करेंगी रेमेडीज, तब तक काम करेंगी रेमेडीज जब तक आप इसे काम करवाना चाहेंगे, अगर आप इसमें अमल नहीं करना चाहेंगे तो नहीं। आपने सिंपली तुख मलंगा लिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने एक खीरा लिया, खीरे के दो टुकड़े किए बीच में से और दोनों साइड से उसको खोल दिया, इसके बाद आपने तुख मलंगा लिया, उसको थोड़ा सा सौते किया और उसके बाद उसको उस पर फैला दिया और दोनों को आपस में मिला लिया, एक सैंडविच सा बन जाएगा। इस सैंडविच को आप रख दीजिए और अगले दिन सुबह इस सैंडविच को खा लीजिए, लेट्स सी कि क्या होता है, इससे होता क्या है। क्या मतलब डिप्रेशन है? इतनी अच्छी मूवी देखने के बाद लोगों को किस कदर डिप्रेशन है, उनके लिए इलाज का काम है। दूसरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम इसलिए हंस रहे थे इतनी देर से कि आप खुद ही इलाज बता रहे। वैसे जी जी, बस क्या करूं यार, मैं बहुत अजीम आदमी हूं यार। और हां,
वैसे आपको बहुत मुबारक हो। But actually tell me, it seriously can, thank you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मूवी रास्ता बहुत अच्छी मूवी है और ये लोगों का ऐसे ही कोई कहना था लेकिन हमने खुद देखी है सीरियसली। कहना था आपको, कहना भी पीछे चला गया। कहना भी पीछे चल गया और लोग जिनकी जबाने चल रही थी वो बंद हो चुकी है। बहुत जबरदस्त है। मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ जुमे वाले दिन फिल्म देखी। कमाल की फिल्म है, कमाल एक्टिंग। और मैंने सैटरडे की टिकट्स ले लिए बरीका को दिखाने जा रही हूँ। ओहो, मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पास कोई बरीका है नहीं इसलिए मैं जा नहीं सकता। मेरी बेटी जो बरीका, अच्छा आपकी बेटी, बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरी बेटी होती बरीका मैं भी लेके चला जाता है नहीं ना जैसे। अच्छा अच्छा, ये वाकई काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा। ये मैं अपना इलाज बता रही हूँ जो मुझ पर गुजरी है और मैंने किया है। आप अपनी दवाओं को इस्तेमाल में रखें। मैं ये नहीं कहती कि अपनी दवाओं को छोड़ दें, लेकिन ये आपको असर देगा। आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग डे, फर्स्ट डे आपको अंदाजा होगा कि सुबह से शाम तक काम कर रहा है। और इसको आप नाश्ते से पहले आप इसे खा लेंगी, आपने नाश्ता नहीं करना। जब आपको भूख महसूस हो उस वक्त करना है, एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। ये ना सिर्फ ये टेंशन रिलीज कर देता है, आपका जो ब्लड का प्रेशर है उसे बहुत कूल डाउन कर देता है और तबीयत आपकी बहुत बेहतरी की तरफ आ जाती है। इसका खीरे का एक लाजवाब और बेहतरीन किस्म का इलाज है जो मैंने एंटी डिप्रेशन आपको बताया है। आप भूना है ना, इसके भूनने का जो मजा टेस्ट आ रहा है वो बहुत, और इसको हल्का सा बस सौते करना है, ये नहीं कि इसको जलाना है कुछ करना है। उससे क्या होगा कि जब हो गया ना, अभी क्या इसको पढ़ेंगे कि अभी अभी आगे चलो, आधे घंटे से लगे हुए भून लिया अपने, मालूम पड़ गया हमारे को करना क्या है। आप ये साहिर के डॉक्टर लवली इंतजार कर रहे हैं अपने लिए कि मेरी बारी कब आएगी। हमारे पास टाइम है तो हम दूसरा इलाज भी बताएं। डॉक्टर साहब, हम खीरे की बात कर रहे हैं, आपकी शादी की बात नहीं कर रहे जी। बारी कब आएगी जी? अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम आपको बताएं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह खीरे के साथ बेहतर किया जा सकता है। और वो भी एक बहुत ही आसान और बेहतरीन इलाज। वो लोग जिनके सीने पे बहुत जलन होती है या खाना हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद तबीयत भारी हो जाती है, उन सब के लिए ये है कि एक खीरा लें और उसे कट कर लें। एक खीरे को कट करें और एक गिलास पानी ले लें, एक गिलास पानी ब्लेंडर में डाल दें। एक खीरे को लिया, उसे कट किया, और कभी भी इसको छिलका उतारने की जरूरत बिल्कुल महसूस ना करें। अच्छा, ये इससे आपका निजाम हजम जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ये ड्रिंक जो बना रही है ना जी, ये ड्रिंक जो मिंट वो आपने पोदी, अरे यार ये बहुत मजे की है। मैं जी जी, ये ऐसी कमाल की ड्रिंक है कि आप इसको पिए तो ना सिर्फ ये कि निजाम हजम बेहतर हो जाएगा, वो लोग जिन्हें भूख नहीं लगती उन्हें भूख लगने लगेगी, और जिनको बहुत ज्यादा लगती है वो भी इससे कंट्रोल होगी, क्योंकि खीरा बेहतरीन तौर पर आपका पेट भर देता है। एक हमने खीरा लिया और एक ग्लास पानी हमने इस खीरे में डाल दिया। ये आज आप हमें बता रही हैं और हम जाके रेस्टोरेंट में मंगा के पीते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और ये और इसके अंदर हम बनाएंगे 2 से 3 सियाह मिर्च, काली मिर्च हमने 2 से 3 डालनी आपके सामने। और इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची 2 ये 2 छोटी इलायची हमने डाली, और एक लहसुन का जवा ये हमारे सामने है। लहसुन का जवा हमने 1 लिया और इसमें कट करके डाल दिया। 1 ग्लास पानी में हम इसको ब्लेंड करेंगे और ये स्मूदी हम हर खाने से पहले पी लेंगे, तो ना सिर्फ ये कि हमारा निज़ाम हज़म बेहतर हो जाएगा, हमें भूख लगने लगेगी, अगर भूख ज़्यादा लगती है तो भूख कंट्रोल में आ जाएगी। वो लोग जिनके सीने पे जलन होती है वो आज के बाद नहीं होगी। और अक्सर बहुत हैवी एंटीबायोटिक लेने से आपके अंदर पेट के अंदर और सीने में एक जलन पैदा हो जाती है, वो भी ठीक नहीं, एसिडिटी को ही कंट्रोल कर देता है। जी, सारे गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा चमचे से चला लें। जी जी, नहीं जरा सा पानी और डाल के, क्योंकि हमें एक पूरा ग्लास बनाना है और ये जल्दी से फिर हमारा ब्लेंड हो जाएगा और इसको हम एक स्मूदी के तौर पर पियेंगे। बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का मशरूम है, और इसको ज़्यादा बेहतर बनाना हो तो इसमें आधा लेमन का जूस भी डाल सकते हैं हम। जब सारे साइंसदान अपना काम कर लेंगे तो फिर मैं जाके बताऊंगा करना कैसे। नहीं आ
आपने तो एंड में बताना है कि अमीर कैसे होना है। अरे आपकी मैं भी सोच है, आपकी सोच है, that's what you think, आप समझते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ? नहीं, बहुत आपकी सोच है, हटिएगा पापा, हट जाइए, लाइए, छोड़िए जी, दिखाइए। और अमीर होने के लिए खड़े हो जाइए, उधर थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मैं पूरे वक्त प्रोग्राम देखूंगी ताकि आपके पास इतनी दौलत है ना दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। अमीर ले जा चुके ना, फिर बताएं नहीं आप ये लोग अमीर बनाए, बिजनेस को एस्टैब्लिश करें, प्रोडक्ट ये देखें, वाह भाई वाह, एक्साइटिंग यू है। मेरा एक्चुअली पूरा 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 इरादा रेस्टोरेंट खोलने का। आप इसमें थोड़ा सा पुदीना वगैरह भी डाल वो ऊपर से। अच्छा, दैट इज वेरी वेरी नाइस, सी इट एक्चुअली या स्मेल्स रियली गुड, लुक्स कूल, looks cool, I don't know how does it look. इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, बर्फ भी, थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें बस, yum, that's it, okay, there you go. अच्छा जी एक काम और भी, अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें तो क्या होगा, आप एक्चुअली वेट लॉस की एक रेमेडी बना लेंगे, अगर आप इसको पियेंगे खाने से पहले तो ये आपके मेटाबोलिज्म का बहुत, उसमें आपके मेटाबोलिज्म में बहुत इजाफा होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बॉडी फैट ज़्यादा है, इस जगह बॉडी फैट ज़्यादा है। अगर इसके साथ आप ये लेने के बाद कम खाना खाएं और दो घंटा देने के बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर दें तो आई प्रॉमिस यू आपका ये बॉडी फैट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा जी आप कौन करने वाला है, किसकी किसकी रेसिपी, यू यू वांट टू थिंक सलमा मेरी, अरे बता तो दो कौन है, मैं कर सकती, आप वेट लॉस करेंगे, मैं वेट लॉस। अच्छा जी खीरे से वेट लॉस किस तरह से किया जाता है, वेट लॉस का प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान को है, पूरी दुनिया का है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और लोग बहुत केयरफुल होते हैं अपनी डाइट के सिलसिले में, तो आइए आपको बताते हैं कि खीरे की मदद से आप अपने वजन को कम कैसे कर सकते हैं। जी उरूज बताइए। ओके, मेरी रेसिपी बहुत सुपर सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ थ्री, हम लोग उधर आ जाए या सुपर सिंपल यहीं से देख लें, सुपर सिंपल वहाँ से देख लें, नो प्रॉब्लम। ओके, जग चाहिए हमें पानी का, बट अभी नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी कैन, वी हैव अ वाटर जग, नहीं बट दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके, आपके घर में जो भी कंटेनर हो, जग हो, एक लीटर पानी आपने बनाना है, थोड़ा सा जल्दी ले आओ, आ गया जग, थोड़ा सा जल्दी ले आओ तो बेहतर हो जाएगा, थैंक यू, छोड़ दीजिए, थैंक यू जी। एक लीटर पानी के अंदर, जो कि आपने पूरे दिन में पीना है, एट एनी टाइम दैट यू वांट, किसी भी वक्त आप पी सकते हैं। अच्छा, आप डिटॉक्स बना रहे हैं बेसिकली, आई डोंट नीड टू ब्लेंड इट, नो यू डोंट नीड टू ब्लेंड, ओके। सो इसके अंदर मैं लेमन स्लाइसेस डाल रही हूँ, तकरीबन एक दरमियाना साइज का लेमन, एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर मिंट लीव्स, सो और एक खीरा, के पास में खीरा, ओके, ये छिलके के साथ, छिलके के साथ डजंट मैटर, अगर आपने छिलका उतारना है दैट्स ऑल राइट टू। एक बात मैं आप लोगों को सब्जियों के बारे में बताऊं कि अक्सर औकात हम लोगों के पास जो सब्ज़ी आती है उसके ऊपर पेस्टिसाइड या कोई ना कोई हुआ होता है, इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ ना कुछ लगा होता है, तो जब भी आपके घर पर सब्ज़ी और आप उसको छिलके के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बड़े से प्याले के अंदर अपनी सारी वेजिटेबल को एक कप सिरके के साथ सोक कर दें, तो उसके साथ से जो भी उसके ऊपर होता है। सो एन एंटायर खीरा, इस पानी को हमने एक घंटे स्टीप करने रहना है, सो नॉर्मल पानी, और उसके बाद आप बेशक रेफ्रिजरेट कर लें, बट रूम टेम्परेचर पे एक घंटे उसको पड़ा रहने दें, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ओके जी, आपने इसमें तीन चीज़ें डाली हैं, आपने इसमें लेमन डाला है, आपने इसके अंदर दरमियान साइज का एक लेमन डाला है, कुछ थोड़ा सा पुदीना डाला है और खीरा, और ये खीरा डाल दिया है, ओके, एंड देन जस्ट ऐड वाटर टू इट, एंड देन जस्ट ऐड वाटर, और इट एक्चुअली टेस्ट गुड ऑल्सो, ओके। तो एक घंटा इसको पड़ा रहने दें रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद एक लीटर पानी डेफिनेटली थ्रू द डे, ओके, अब नज़र आ रहा है आपको, ओके,
अच्छा ये देख लीजिएगा, ये एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाया आपका जिसको आप पी सकते हैं। अगर आप बाहर जाएं, बाहर के मुल्कों में जाएं, तो वहाँ फाइव स्टार होटल्स की लॉबीज़ में ये बड़े बड़े वाटर कूलर्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान में भी मिल जाता है, लेकिन बाहर के होटल्स के अंदर आपको नॉर्मली अगर आप किसी किम्पेंस की, मैरियट की वगैरह इसमें जाएं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर ये ड्रिंक इस तरह से है कि आपने आधा लेमन लिया दरमियाने साइज़ का, कुछ थोड़ा सा पुदीना लिया और एक खीरा लिया, उसके बाद काटने के बाद उसको एक लीटर पानी के अंदर डाल दिया और उसको छोड़ दिया। ऑब्वियसली जब पानी अगर ज़्यादा होगा पूरा आप भर के अपना वाटर कूलर या जो भी आपका वो है डिस्पेंसर, जो है वाटर डिस्पेंसर, उसमें बनाएंगे आप अपने। अगर आपके घर में वाटर डिस्पेंसर है तो उसमें भी आप 5-6-7 खीरे डाल के, लेमन डाल के, ये डाल के, ताकि आपके घर का हर फर्द जो है वो उसको पी सके। अच्छा ये बहुत डिटॉक्स ड्रिंक है, ये आप इसको हमेशा पी सकते हैं, आधा ग्लास पी लीजिए, एक ग्लास पी लीजिए, इसमें कोई वक्त की कैद नहीं है। माय राइट, एब्सोल्युटली, आप कभी भी पी सकते हैं, पी सकता है ना, मतलब मेरे जैसा भी कोई भी पी सकता है। आप इसको, इससे वेट लॉस इस तरह हेल्प होता है क्योंकि जो खीरा होता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है व्हिच हेल्प्स यू लूज द बैड टॉक्सिंस इन योर बॉडी, तो उसकी वजह से आपका जो वेट लॉस होता है और स्किन अच्छी हो जाती है, फ्रेश होती है। अच्छा खीरे से स्किन वाकई बहुत अच्छी होती है, अगर आप खीरे को खाएं या टमाटर को खाएं तो उससे आपके स्किन पे एक ग्लो आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि खीरा एक्चुअली अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी जो टू टोन स्किन है उसके अंदर बड़ा हेल्पफुल साबित होता है और वो आपके चेहरे को बेहतर कर देता है, आपके चेहरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है। जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। पानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, दुनिया का सबसे बड़ा मौसर ड्रिंक जो है वो पानी है, पानी से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। तो नेचुरली इसके अंदर पानी शामिल होता है और पानी आपको ना तो आपको वेट बढ़ाता है बल्कि पानी आपके वेट को रिड्यूस करता है। द मोर यू ड्रिंक इट, ये क्यों ड्रिंक इसलिए ये टॉक्सिक ड्रिंक बना है, बिकॉज ये आपके फासिद मादों का इखराज करता है आपके जिस्म से। तो अगर आप इसको पियेंगे तो नॉर्मली आपका वेट आहिस्ता 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि अगर इसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर ली जाएँ तो वो कैसा है? आप इसके अंदर ग्रेप फ्रूट डाल सकते हैं, आप इसके अंदर एप्पल्स डाल सकते हैं। आपने बेसिकली पानी को इन्फ्यूज करना है विद व्हाटएवर दैट यू फील, सीजनल जो भी चीज़ें होती हैं वो बेस्ट होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसमें आप एप्पल डाल दें या आप टेस्ट एनहांस करने के लिए, टेस्ट एग्जैक्टली टेस्ट बदल दें, चीनी ना डालें, नमक ना डालें, अवॉइड करें, बट टेस्ट एनहांस करने के चक्कर में वो चीज़ों के अलावा अगर आपने कोई नेचुरल चीज़ डालनी है, कोई सब्जी डालनी है, कोई फल डालना है, एब्सोल्युटली बाय ऑल मीन्स डू। अच्छा एक काम और, इस पर बात हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि जी आप वो तो कर लें, लेकिन कभी आपने चिकन का सूप पिया विद टोमेटोज? ईरान में बनता है और बहुत स्लो कुक होता है और वो वेट लॉस में सबसे मौसर आपकी रेसिपी। अच्छा। है हाँ बहुत, आप एक चिकन लीजिए, उसको उसके पीसेस कर लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए। हाँ। और उसके साथ बहुत हल्की बहुत सिमर आंच पे आप उसके अंदर टोमेटोज डालिए और काली मिर्चें डालें और उसके बाद वो 4-5 घंटे पकेगा। 4-5 घंटे पकने के बाद बिल्कुल श्रेडेड वो मीट जो था बहुत श्रेड हो जाता है और आप उसको खाइए, वो इट्स गोइंग टू रिड्यूस वेट लाइक एनीथिंग। इट्स कॉल्ड खोरशोस और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड, बट मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उनको हम दोदोश कहा करते थे, वो बना के हमको दिया करते थे। मतलब कितने उसमें ज्यादा, 1 किलो टमाटर 1 किलो चिकन में? हाँ, जितना आप डाल सकते हैं आराम से, अच्छी चीज है। अगली जो है वो स्किन के लिए है, सो खीरा, बेसिकली खीरे का छिलका उतारें। आपको पता है कि खीरे के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं? खीरे के अंदर 14 कैलोरीज होती हैं, एवरेज खीरे के अंदर टोटल 14 कैलोरीज होती हैं। और बेसिकली खीरे को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, विच इज़ हाउ इट मेक्स यू लूज वेट। ओह या सॉरी, मुझे नो इट्स फाइन बट दैट एक्चुअली टेल्स अस हाउ गुड ऑफ अ शेफ यू आर। सो क्या मतलब है? मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ऐसा काटते हुए आपको देखना अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी वेरी नाइस, इट्स अ वेरी कामिंग सूदिंग इफेक्ट ना। सुबह सुबह आई एम मेकिंग पीपल वर्क। ओके, खीरा ब्लेंडर में डालेंगे हम और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। दिस इज बेसिकली वेरी गुड मेकअप रिमूवर एंड विल हेल्प यू अगर आपकी स्किन पे एक्नी है। एंड हेल्प यू हाउ, आई विल जस्ट टेल यू। अच्छा, अगर एक्नी है तो अदरवाइज, मतलब ऑयली स्किन के लिए? हाँ, ऑयली। अच्छा, अगर आप मेकअप लगाते हैं तो ये मेकअप रिमूवर का काम करेगा और एक्ने भी खत्म करेगा। ये पानी इनको भेज दीजिए, ये यही इसको जरा सही से ग्राइंड हो जाता है। पहले भी जाके साहिर नहीं गया, कहाँ हुआ था।
जग शायद साहिर यहाँ की मशीनें भी इन्हीं को जानती हैं। अब आप ही की बात, अब आप देखिएगा क्योंकि जग साहिर ने इससे कोई सेटिंग करी है। जब इसकी एक अजीब सी आवाज निकल के समझ में उस वक्त ये ग्राइंड होना शुरू हुआ है। हो गया हो गया मैंने पहले आपको कहा था मेरी चीजें हाथ मत लगाइए। अच्छा जी अब ये बताइए मेकअप रिमूवर कैसे होगा? आपने इसमें आधा खीरा लिया है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला है एंड दैट्स इट। खीरे के छिलका उतार के इसके बाद आप इसको अगर आप स्प्रे बॉटल में डालना चाहते हैं तो स्प्रे बॉटल में डाल के यूज करें। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं विद अ कॉटन बॉल, एक कॉटन बॉल लें उसको सोक करके अपनी स्किन पे लगा लें एंड यू कैन लीव इट ऑन योर स्किन। ओके और अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आप इसको फ्रिज में रखें और जितना ठंडा हो सकता है कोल्डेस्ट पॉसिबल और फिर आप इससे अपना स्किन क्लीन करें तो आपके आप नोटिस करेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो रेडनेस है वो चली जाएगी, एक्नी सही होना शुरू हो जाएगा। अच्छा एक और ऑब्वियसली खीरा। अच्छा एक और बात भी आप कर सकते हैं, ये दो चीज़ों का काम करेगा। अगर आप मेकअप रिमूव कर लेते हैं उसके बाद अगर आप कॉटन बड्स इसको अप्लाई करते हैं तो स्किन टोनर का भी काम करेगा। एब्सोल्युटली दिस विल वर्क एज अ टोनर एज वेल। God, this is just unbelievable. I'm actually getting to know all this. This is just really. That's what I was wondering. No, this is very funny. Not funny really, but you know, they pay me too well to refuse anything. So I think it's okay. Yes, it works as a toner as well. लेकिन आप इससे makeup remove भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमेशा याद रखिए एक बात कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करें तो पहले ये देख लीजिए कि आपकी स्किन उसको रिएक्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि आगे चल के आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पिगमेंटेशन लोगों में जो होती है वो द न्यू फाइंड है वो ये है कि अक्सर औकात आपके गलत मेकअप के इस्तेमाल की वजह से पिगमेंटेशन में आपकी इजाफा हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी मेकअप इस्तेमाल करें वो आपकी स्किन पर लगता हो, नज़र आता हो। और नेचुरल मेकअप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में आजकल हलाल मेकअप भी आ गया है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं और टोन भी कर सकते हैं अपनी स्किन को। टोनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप रिमूवल के बाद, क्योंकि मेकअप आपकी उम्र को ज़्यादा करने लगता है, आपकी जिल्द पे बहुत बुरे असरात छोड़ता है, तो उसके लिए आपको अपनी जिल्द को नरिश करना होता है। अच्छा खीरे की एक और बात बहुत सिंपल सी है, अगर आपने आपके पास वो जो आपने काटा था वो कहा, आपने कुछ भी नहीं करना, ये खीरा लेना है एंड जस्ट रब इट, डोंट डू एनीथिंग एल्स। कोई ग्राइंडर में डालने की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक अ खीरा एंड देन स्टार्ट रबिंग इट ऑन योर फेस, ऑन योर नेक एंड जस्ट लीव इट। और आप बहुत देर के लिए जब इसको छोड़ देंगे, 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो आप ये आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा। आपके चेहरे को ज़रूरत होती है पानी की, ये पानी की सबसे बड़ी सोर्स है जो आपको प्रोवाइड करता है, सबसे बड़ी सोर्स है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, दैट्स इट। अच्छा ये आप टमाटर के साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा पहले बताया कि टमाटो लीजिए, उसको आधा काटिए, उस पर थोड़ा सा शहद डालिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन इट। वो आपकी जिल्द को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपकी जिल्द को टाइट भी करेगा, आपके पोर्स को बंद भी करेगा और रियली आपके चेहरे को लिफ्ट भी देगा। तो आपकी उम्र चाहे कैसी कितनी भी हो, कम से कम आप 5, 6, 7, 8 साल पीछे जा सकते हैं अपनी उम्र के, अगर आप खीरे और टमाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सर ये भी क्या बात हो रही है, बात ब्यूटी की हो रही है। तो मेरे पार्लर को 32 साल हो गए हैं और कल से यानी संडे से लेकर बुध तक मैंने 50% डिस्काउंट दिया हुआ है अपनी तमाम पार्लर की सर्विसेज पर। अरे वाह वाह वाह। तो अगर आपके पार्लर पे कोई आता है और ये कहता है मुझे फेशियल करवाना है तो 50% डिस्काउंट तमाम किस्म की सर्विसेज पर है और प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर टीवी वन के हवाले से आएंगे तो उसमें भी 5% डिस्काउंट। मरिया आप कभी गई हो रानी आपा के पार्लर? नहीं, लेकिन आऊंगी जरूर आइए, बिल्कुल मुझे इंतजार रहेगा आपका। आप इनके वादे पे इतबार मत कीजिए, रिलीज हो जाएगा, आप जरूर आइए। गालिब का एक शेर था, तेरे वादे पे जिए हम कि ये जहाँ झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर इतबार होता। नहीं आने वाली क्या मतलब? आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम बीइंग ट्रूथफुल, यू आर नेवर गोइंग टू गो। और मैं इनकी भी डाल दूंगी जरूर वीडियो छोटी। आप में से कौन कौन जाएगा? मैं तो जाऊंगी और रानी आपा के प्रोडक्ट मैंने तो यूज पहले भी की हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोडक्ट होती है और आप लोग से रानी आपा चार चीजों में से 50% ऑफ का कौन गवाएगा?
वाली अपने लिए भाई पक्की ऑन एयर तमाम सर्विसेज दरक्षण के लिए फ्री है। अरे आपको 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 पता नहीं है प्यार में मुझे भी दरक्षण कहते हैं। ये मतलब क्या है, ये क्या बात हुई है, दिस इज वेरी रॉन्ग। नहीं नहीं साहिर आप तो हुकुम करें, सब कुछ हाजिर है। और एक और एक खास बात बताऊं कि जब मेरी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी थी तो उसकी एंकर उस दिन की होस्ट दरक्षा ही थी। अरे वाह कमाल हो गया जी, और जबरदस्त प्रोग्राम होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आपके पार्लर को 32 इयर्स हो गए? जी मेरे पार्लर को 32 साल। आपको शक्ल से जो भी नजर आऊँ, IQ 3 digits में पहले बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, मतलब 32 साल पहले दर्शन मेरे फादर में पैदा हुई। बाकी में कितना टाइम हो गया? मेरे पार्लर को 32 साल हो गए खोले हुए और मेरी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी को 13 साल। अल्लाह मेरा सुकून आया। 13 साल पहले 32 की तो होंगे। मैं बता दूं मैं 40 की हूँ तो अब इससे अंदाजा करना 40 बता दी मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है तभी बिल्कुल की है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लोग मेरे बराबर में खड़े होकर किस रवानी से झूठ बोलते हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास खबर लेके आया हूँ। अच्छा ये इस तमाम लोगों के लिए, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग वहाँ पे देख रहे हैं, दो चीज़ें मैं आपको कहने जा रहा हूँ, दो खुशखबरी हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि आप 30 रुपये में 1300 प्लेट्स धो सकते हैं। 30 रुपये में, 30 रुपीज़ में 1300 प्लेट्स धो सकते हैं, मुझे ये कहने को बोला गया। एंड ऑनेस्टली मैं वाकई जो चीज़ दिल से फील करता हूँ मैं वही बोलता हूँ, और मेरे ख्याल में लेमन मैक्स ने आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। दिस इज़ द पाउच, ये इसका साशे है जो आपके पास अवेलेबल है। इसके अंदर यहाँ पर एक स्पाउट लगा हुआ है, इसको इजी पैक कहते हैं, लेमन मैक्स का, लेमन मैक्स का इजी पैक कहलाता है। इसकी जो प्राइस है वो 30 रुपये है, 30 रुपीज़ इज़ नथिंग, और 30 रुपये में ये आप 1300 प्लेटें धोता है, 1300 प्लेट्स आप इस एक पैक से वॉश कर सकते हैं। अब बार्स का ज़माना पुराना हो गया है, मांझने की आपको फिक्र नहीं, आपको पता है कि लेमन मैक्स कितना पावरफुल है, आपको पता है इसका एक कतरा आपके लिए क्या कर सकता है, आपके बर्तनों के लिए क्या कर सकता है। आपकी सबसे बड़ी बात ये, इससे आपके हाथ ख़राब नहीं होते, आपके बर्तनों पर रगड़ नहीं आती, वो उसमें लॉन्जिविटी जो है आपके बर्तनों में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको इनामात मिलेंगे, याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों को। इस इजी पैक में लगा है एक स्पाउट जो बहुत आसानी के साथ आपका जो लेमन मैक्स है उसको आपके बर्तनों पर डालता है, आपके सिंक में डालता है। दूसरी बात, ये इजी पैक 30 रुपये का आता है। तीसरी बात, ये इजी पैक जो है 1300 प्लेटेड होता है। अगर आप घर में बैठ के टेलीविजन इस वक्त देख रही हैं या देख रहे हैं तो बाहर जाइए लेके आइए लेमन मैक्स, बिकॉज 30 रुपये में 1300 प्लेट्स इससे पहले कभी नहीं धुली हैं। लेमन मैक्स ने ये आपके लिए आसानी पैदा की है। एक और फ़ायदा जो लेमन मैक्स का है वो ये है कि आपके हाथ इससे ख़राब नहीं होते, और सबसे बड़ी बात ये वो रगड़ने का जो ज़माना है कि आप रगड़ रहे हैं, खूब रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो थोड़ा सा लेमन मैक्स भी आपके बहुत सारे बर्तनों के लिए काफ़ी होता है। आइए आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद मैं आपको देने जाऊँगा लेमन मैक्स के कुछ हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स है वो मैं आपको दूंगा। और साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, फैसल कुरैशी ने मैं सारे सवाल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, फैसल कुरैशी लेमन मैक्स के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका नाम आप याद रखिएगा। फैसल कुरैशी ने कोरमे की प्लेट्स को धोने की दावत दी थी। अब कोरमा कितना थिक होता है, इमेजिन दैट, अगर लेमन मैक्स उसे साफ कर सकता है तो आपके घर के बर्तनों की जो नॉर्मल कुकिंग है उसके लिए कितना कारामद साबित होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको दे दी हैं। और एक दूसरी खुशखबरी जो मैंने प्रॉमिस की थी आपको,
आप लेमन मैक्स के पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए और गोल्ड कॉइन्स जीत जाइए। गोल्ड कॉइन्स जीत सकते हैं आप लेमन मैक्स का पेज। मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। हाँ जी सलमा, बताइएगा क्या हो रहा है। माइक नहीं है, मैं ले आता हूँ माइक, कोई बात नहीं, इट हैपेंस टू मी ऑलवेज, कोई बात नहीं। हाँ जी जी सलमा जी, सर भी जैसे आपने कहा है कि वाकईतन ये सिर्फ हार्डली एक ड्रॉप आप यूज करते हैं, और कोरमा हो गया, बिरयानी हो गई, और सबसे बड़ी बात है जो जले हुए बर्तन है वो पड़े हुए होते हैं, हमें मांझनी पड़ जाती हैं, देचकियाँ, ये सब इतनी आसानी है हम खवातीन के लिए कि जिसकी हद नहीं। और आवाज़ और किसी भी चीज़ की, मछली की स्मेल हो, लहसुन की स्मेल हो, किसी भी चीज़ की स्मेल इसमें नहीं रहेगी किसी भी चीज़ में, और बड़ी अच्छी खुशबू आती है भीनी भीनी हाथों से भी और बर्तनों से। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट है, मेरे घर में तो वैसे ये यूज़ होता है। अच्छा, सभी के घर में यूज़ होता है, इट्स नॉट जस्ट योर होम, आप सबके घर में भी लेमन मैक्स यूज़ होता होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो नई चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया जो इसका पाउच आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो स्पाउट लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको दावत दी गई है कि 30 रुपये में 1300 प्लेटें धो दें, ये बड़ी बात है। इकोनॉमिकल है और ईजी है, इजी है, बहुत ईजी। देख लीजिए जी, बर्तन धुल रहे हैं और ये इसमें से एक आवाज़ आती है जो बिल्कुल साफ हो गई, कच कच की ना, जो बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक्चुअली मैं बर्तन धोता नहीं हूँ, इसे पता नहीं हुआ। ऑलराइट जी, वी आर डन विद लेमन मैक्स, ये इसकी जो क्लीनिंग है वो डन हो गई है। थैंक यू वेरी मच सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब टाइम है आपका, आपने मुझे जवाब देना है और मैं आपको देने जा रहा हूँ, कहाँ है मेरे पास गिफ्ट पैक, अच्छा जी लेमन मैक्स का ये गिफ्ट पैक। मुझे ये बताइए, सवालात तो मुझे दिए हुए हैं तो मैं वही सवालात आपसे कर रहा हूँ, मुझे बताइए लेमन मैक्स ईजी पैक की मैजिकल प्राइस जो है वो क्या है, प्राइस क्या है? अरे तो हाथ खड़ा करें, आपने सबसे पहले बोला 30 रुपीज, तो दिस इज योर्स। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां इनके लिए। ऑलराइट जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेमन मैक्स 30 रुपए में कितनी प्लेटें धो सकता है? अरे क्या बात है, 1300, देयर यू गो, थैंक यू जी। अच्छा जी, लेमन मैक्स के इस पाउच को इजी पाउच क्यों कहा जाता है? क्या स्पाउट मौजूद है? ऑलराइट जी, योर इन्होंने जवाब दिया, बहुत सारी तालियां इनके लिए, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ये बताइए लेमन मैक्स के ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? यू ऊपर ऊपर आप ऊपर दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए आप, ठीक। अच्छा आखिरी सवाल, ये बताइए, अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताइए फैसल कुरैशी ने किस चीज को धोने की दावत, यार ये लेमन मैक्स वाले यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को 80-90 लेमन मैक्सेस लेके आने चाहिए थे, बिकॉज हर आदमी को पता है कि लेमन मैक्स क्या है। Here we go. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लेमन मैक्स के लिए बहुत सारी तालियां दी। एक और है, आप जिस प्रोग्राम में बैठे हैं उसका नाम क्या है? आप जिस प्रोग्राम में बैठे हैं उसका नाम है आपका, There you go. Yes, you. आपका साहिर, और तो कुछ नहीं बचा ना? नहीं, थैंक यू जी लेमन मैक्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। योर टर्न। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ, नाम है मेरा न्यूज की रौनक। लेकिन मध्या आपको थोड़ा सा साइड पे होना पड़ेगा क्योंकि वो इशारा कर रहे हैं, सॉरी, इट्स ओके। ये खबर है उन लड़कों के लिए जो रोजाना एक ही पैंट पर डिफरेंट शर्ट्स, रोज तरह तरह के शर्ट्स चेंज करके समझते हैं, अरे वाह आज तो हमने थोड़ा हट की ड्रेसिंग की है। लेकिन भाइयों आपको मैं बता दूं, जो नोट करने वालियां होती ना वो ये भी नोट कर लेती हैं। वैसे एक बार सर भाई, हाँ, रास्ता में जैकेट्स तो पैंट, क्या रास्ता में जैकेट्स तो बहुत डिफरेंट पहनी आपने, हाँ, पैंट का क्या? तो शरीफ आदमी के पास पतलून एक ही होती है। वो शख्स जो घर में एक चीज उठाकर किसी और जगह पर रख दे और दूसरी दफा में वो चीज वहीं पर ढूंढने पर ना मिले और उस पर झगड़ा करे, ऐसे शख्स को शौहर कहा जाता है, और उस झगड़े पर जो कान ना धरे उसको ऑफ कोर्स बीवी कहते हैं। खबर मिली है कि खानदान भर में एक आध आंटी ऐसी जरूर होती हैं
जो हर बात पर या हर बात के एंड में हाय मैं मर गई ये जरूर कहती हैं, लेकिन हैरानगी की बात ये कि सालों से वो ये कहती आ रही हैं और जिन जिन को कह रही हैं उनके जनाजे उठ गए पर उन्हें कुछ भी नहीं। अक्सर खवातीन अपने शोहरों को ये कहते हुए जरूर पाई जाती हैं, अजीब बात सुने, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए। लेकिन मर्द कभी नहीं बदलता, उसको शादी से पहले भी शादी की जल्दी होती है और शादी के बाद भी शादी की जल्दी रहती है। एक स्टडी से पता चला है कि प्यार में बेबी मान जाओ ना, बेबी आई लव यू, इससे लेकर बेबी भाड़ में जाओ, बेबी दफा हो जाओ, इस सफर को शादी से पहले और शादी के बाद का आलम कहा जाता है। लेकिन अगर शादी के बाद भी बेबी मान भी जाओ ना, ये भी सिलसिला जारी है, तो यकीन करें कि बीवी कोई और होगी और बेबी कोई और। और भाई आज की आखिरी खबर हमारे हमजा की, हमारे हमजा ने हुकूमत पाकिस्तान से सिक्योरिटी फराहम करने की रिक्वेस्ट की है। वजह यह है कि लड़कियों ने उसको उसकी हरकतों की वजह से फेसबुक पर ब्लॉक करने की धमकी दी है। पर ये बात मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये हमारे हमजा की बात हो रही है, जो हमारे हमजा हैं, ये कोई और हमजा की बात नहीं हो रही है भाई, वो कोई भी हमजा नहीं, दूसरे, क्योंकि हमारा हमजा शरीफ नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा हमजा तो फिर हमारा हमजा है। अच्छा वो क्या बात करी थी आपके, वो बदलने की बात थी कि खवातीन कहती हैं कि मर्द नहीं बदलते, क्या था वो? मर्द को भी मर्द का दिल चाहता है वो कहे तुम भी पहले जैसी नहीं रही, पहले इट वॉज यू नो 80 pounds, नाउ यूर 380 pounds। तो मोहब्बत ये सिर्फ खवातीन की हद तक क्यों होती है, मर्दों की हद तक भी तो होनी चाहिए ना। मर्द वो उनको ला ला के खिलाते हैं। अच्छा, I don't understand this. So when you are allowed to marry 4 times, why is it a problem with women? Why is it कि you cannot आप अपने हस्बैंड से, नहीं एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है मुझे खवातीन से, सारी खवातीन यहाँ हैं, तो why are people against second marriage? Why? I don't understand this. Either you don't believe in it or you believe in it. You know, if I'm a Muslim, then I need to believe in it. If I need to believe in it, then why people are against it? Why? क्या वजह है? आप से शुरू करते हैं, अब तो कोई जिंदगी में खतरा ही नहीं है आपको, बताएं। मर्दों को 4 शादियों का हक भी है और खवातीन चूंकि बहुत। क्या माइक नहीं आपके पास भी? अच्छा उनको माइक दे दिया था, ओके। हमारे पास माइक की सडनली कमी पड़ गई है इन दिनों। मर्दों को 4 शादियों का हक भी है, इस्लाम भी इजाज़त देता है और खवातीन एक ही पर पूरी ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए फ़ख्र समझती है। अच्छा अगर अनीस भाई कहते हैं कि उन्हें दूसरी शादी करनी है तो आप क्या कहते हैं? ये बात मेरे ख्याल है वो कह ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कभी इस पर सोचा नहीं। क्यों नहीं कह सकते थे? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अक्सर औरतों को ये भी सिक्योरिटी होती है भाई, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि नहीं वो तो कर ही नहीं सकते, वो फिर पीछे से करके आ जाते हैं, हाँ ये मैंने कर लिया है। अब मैं तो वैसे भी इस चीज़ को भुगत रही हूँ, इसलिए नो कमेंट्स, क्योंकि और आज कल वैसे ही शादियाँ नहीं चलती हैं, तो 4 तो बहुत दूर की बात है, दो भी बहुत दूर की बात है, एक ही लोग नहीं चला पाते हैं आजकल। लेकिन आजकल वैसे सीरियसली मर्द बहुत खुश हैं क्योंकि उनको काफी शादियों की इजाजत और हर हाल में करनी है शादी, वो इजाजत मिल चुकी है। ओके यस मैम। असल में बात यह है कि हम खवातीन ये सोच लेती हैं कि ये हमारी चीज़ है और ये रिश्ता जो है मैं बांट नहीं सकती। ओके ठीक है, रिश्ता कभी नहीं बढ़ता, मोहब्बत जो मुझसे है वो मुझसे ही है, वो कहीं और नहीं है, वो किसी और की उनसियत है, वो एक अलग चीज़ है, ये चैप्टर डिफरेंट है, थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। बेसिकली औरत बनाई गई है मर्द के सुकून के लिए, काफ़ी सख्त टॉपिक और फलसफा आ गया आपके हिसाब से, सुकून के लिए, अगर हम उसको सुकून पहुंचा नहीं पाते, बेसिक बात यही पे आ जाएगी। मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता, मर्द को दूसरी शादी की इजाजत, प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, मैंने शुरू किया भाई, खुदा का वास्ता, मर्द के सुकून के लिए बहुत सुकून के बाद बताती हूं, उसका असल सुकून बर्बाद ही दूसरी शादी पे होता है, तो औरत ये क्यों नहीं हो रही? ऐसा नहीं है, आई थिंक डेफिनेटली जहाँ तक सुकून की बात है, आई एम श्योर के सुकून के लिए बनाई गई है, आई थिंक बेटी बहुत सुकून देती है, लेकिन अपनी
किसी की बेटी सिर्फ दुख दे रही होती है आपको, मजाक कर, अपनी बेटी बहुत सुकून देती है और बहुत मज़ा आता है आपको अपनी बेटी के साथ। और जो किसी की बेटी होती है वो आपको वो मेक श्योर करती है कि वो आपके मज़े को तहस नहस कर दे, जब तक उसका बेड़ा गरक ना कर दे उसे सुकून नहीं मिलता। ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। चले चले वी डिसएग्री ऑन इट। अच्छा क्या, अच्छा ये सब सिली जोक्स हैं, इसको कोई इसका सीरियस मत लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अप टू यू, आप पे मुनसिब करता है कि जो भी चीज़ आपको करनी है पूरी जिम्मेदारी के साथ करनी है। रिलेशनशिप्स में झूठ नहीं चलते, झूठ बुनियाद नहीं हो सकता किसी भी रिश्ते की। आप सच बोलेंगे आपकी चीज़ें आसान रहेंगी। मैं एक बंदे को जानता हूँ, एक शख्स को जानता हूँ जिसने अब सच बोलना शुरू किया है। उससे मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा रिजल्ट चाहे कुछ भी हो और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा है कि वो उस सच की वजह से 3 दिन की जेल काट के आया, लेकिन उसने उसको फेस किया। मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज ज़ाहिर है मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन थैंक यू कि उसने मेरी बात रखी। वो सच बोलेगा, वो सच के रास्ते पर चलेगा, दुनिया में ज़िंदगी में कभी उसको नुकसान नहीं होगा। थैंक यू। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, सच बोलना बहुत बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी शर्मा जी, हम क्या करने जा रहे हैं? हम स्क्रब बनाने जा रहे हैं। ओके। और मैं आपको दिखाती हूँ एंटी एजिंग भी है, व्हाइटनिंग भी है। अच्छा एंटी एजिंग तो हम बनाएंगे, हमारे पास टाइम कितना है? कैन वी डू इट राइट नाउ? मुझे बता दीजिएगा अगर हमारे पास टाइम है तो ठीक है, अगर ब्रेक लेना है तो फिर हम पहले ब्रेक पे जाते हैं फिर उसके बाद लेते हैं। डू वी हैव टाइम? डू हैव टाइम? वी कैन डू इट जी, स्क्रब बना सकते हैं। आइए। अच्छा ये स्क्रब एंटी एजिंग है जी? बिल्कुल एंटी एजिंग भी है, व्हाइटनिंग भी है। ये आपका इससे टू टोन स्किन भी ठीक हो जाएगी। आप पूरे फेस पे यूज कर रहे हैं तो आपके डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे, पफी आईज भी ठीक होंगी। ये बहुत ये मैं पकड़ लेता हूँ, आप बताइए। इसमें मैंने एक खीरा छिलके के साथ लिया है। ओके। और इसमें पानी नहीं डाल रही, सिर्फ इसका पल्प मुझे चाहिए ना। बेकार है शर्मा जी, आपका काम नहीं है ये। मैंने सीख लिया है। सीख लिया झटके वटके मार के, ये वो गाड़ी नहीं होती जिसको धक्का मारना पड़ता है। ये अच्छा ये पल्प के साथ है जी? बिल्कुल। ओके। अच्छा ये जो हम बात कर रहे थे लिफ्टिंग की, जो बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी टू टोन जो है वो भी बेहतर हो जाएगी, आपका चेहरा जो टाइट हो जाएगा, दिस इज एग्जैक्टली दैट। जी जी प्लीज। इसके अंदर हम लेंगे बिल्कुल टमाटर का पल्प थोड़ा सा। ओके ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ये है खीरे का पल्प। ये मैंने 2 टेबल स्पून टमाटर का पल्प डाल दिया इसके अंदर, और 1/4 टीस्पून ये सैंडलवुड पाउडर है। ओके ओके दैट्स इट, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे हम। आपने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं? तीन चीज़ें डाली हैं, शहद में डालती हूँ जरा मॉइस्चराइजिंग, हाँ मॉइस्चराइजिंग के लिए। ओके अच्छा ये बताइए यहाँ पर किसको थोड़ा सा रिंकल्स का प्रॉब्लम है, झुर्रियों का प्रॉब्लम किसको है, किसको अपने क्रोज फीट सही करने हैं? ये ले लीजिए प्लीज। सिर्फ ये 4 चीजों का ये है कौन? क्योंकि इसमें लेमन है वो भी व्हाइटनिंग करेगा आपका, इसमें टोमेटो पेस्ट है वो भी है, इसमें खीरा है सबसे ज्यादा जो आपकी स्किन को आपकी लाफ लाइंस खत्म करेगा, आपके क्रो फीट्स खत्म करेगा, तो स्किन को बहुत रिफ्रेश कर देता है। ओके इसके अंदर जो चीजें डाली हैं उसके अंदर आपने आधा खीरा लिया उसको काटा, उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, लेकिन इतना ब्लेंड किया कि वो ग्राइंड होकर टुकड़ों की शक्ल में बाकी रहा। देन उसके अंदर आपने टोमेटो का पल्प लिया, थोड़ा सा टोमेटो का पल्प डाला, देन उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद ऐड किया, थोड़ा सा सैंडलवुड का पाउडर जो है वो डाला, और बिल्कुल आखिर के अंदर आपने लेमन का थोड़ा सा आधा लेमन स्क्वीज करके इसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद उसको मिला लिया। और इसको कितनी देर तक अप्लाई करना है? क्या यार डाल दिया, बता दिया, बस इसको आपने हार्डली 10 से 15 मिनट के लिए आप अपने फेस पे लगा दें और उसको रब करना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा स्क्रब है। ऑलराइट क्योंकि सैंडलवुड इवन हो जाती है स्किन उसके ना आपकी जो। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक बहुत हैरतअंगेज खबर आपका इंतजार कर रही है खीरे के मुताबिक, खीरे से और क्या क्या किया जा सकता है। याद रखिए मैं आपको बताऊंगा कि खीरे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Oh!
हाँ जी, रास्ता का प्रीमियर हुआ था तो उसकी फुटेज हमारे पास है और कल से हम आपको वो सारी फुटेज दिखाना शुरू करेंगे जो आवाम कह रही है, उसकी फुटेज दिखाएंगे जो एक्चुअल पाकिस्तान के आवाम जो स्क्रीन जो सिनेमाज पे जा रहे हैं, साइलेंस, थैंक यू, जो आवाम कह रहे हैं वो भी हम दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन राइट नाउ रास्ता के प्रीमियर की फुटेज है, आइए देखते हैं, वॉच दिस। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं, चाहूं देखूं जहां मैं पाऊं। डेब्यू मूवी है और कैमियो कैरेक्टर किया है तो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, एक्साइटमेंट भी है। अल्लाह करे उसकी ये फिल्म भी कामयाब हो, और मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि फिल्म जरूर देखने आए, सिनेमा में देखें, टिकट खर्च करके देखें। रास्ता का प्रीमियर शो है और मैं साहिर लोधी को और टीवी वन की टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस फिल्म को कामयाब करें। ताहिर बहुत अरसे से फिल्म करना चाह रहे थे एंड फाइनली ही विल बी ऑन बिग स्क्रीन इन फ्यू मोमेंट्स। उम्मीदें तो हैं कि अच्छी फिल्म होगी, हमारी एक अच्छी विशेस उनके लिए हैं। ऑल द बेस्ट साहिर, प्लीज वॉच रास्ता, कल रिलीज हो रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान, गो बुक योर टिकट्स, वॉच इट विद फैमिली, इट्स अ कंप्लीट फैमिली मसाला मूवी। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। मूवी तो पहली है लेकिन उम्मीदें से बहुत वाबस्ता है, बिकॉज म्यूजिक तो सबने सुना है और म्यूजिक बहुत लवली है, लेकिन आज इसका रिजल्ट सही आएगा और लोग बताएंगे कि मूवी कैसी है। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की हर मूवी बेहतर से बेहतर हो, और मेरे बेटे ने जो मेहनत की है अल्लाह पाक उसको कामयाब। एक्शन मूवी है और काफ़ी अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी एक्शन फिल्म आई है, बहुत मेहनत की है साहिर ने। मंजिल मिल गई भाई, रास्ता को क्या बात है। रियली नाइस एंड गुड सॉन्ग्स, गुड एफर्ट, जितनी मेहनत साहिर ने की है उससे कई गुना ज्यादा इसका अजर उसको मिलना चाहिए। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। मूवी एक अच्छी अच्छी कोशिश, अच्छी मेहनत, साहिर का काम बहुत अच्छा है, एजाज का बहुत अच्छा काम, नवीद का बहुत अच्छा काम, और ओवरऑल फिल्म में मेहनत की गई है। पाकिस्तानी मूवीज़ की आप लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोग आएँ, मूवी देखें, हमारी सपोर्ट करें। खामियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी, लेकिन कुछ खामियों को इग्नोर करें, खूबियों को अप्रिशिएट करें। आई एम इन लव विद द कैरेक्टर ऑफ साहिर एंड क्यूटनेस थी, सब कुछ था, नॉट दैट बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट यार एक और दफा फैन बन गई। रास्ता 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 रास्ता। आई एम ग्रेटफुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर जो मैंने गलतियाँ की हैं, ये सब इन लोगों की मेहनत है, दे ऑल आर स्टार्स, इनकी वजह से भी पिक्चर देख लीजिएगा प्लीज़, बस आइए और देखिए पिक्चर। बहुत सारी दुआएं हैं इसके कामयाब होने के लिए, मशहूर होने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट माई ब्रदर ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ मेकिंग अ मूवी, वो उनका ख्वाब पूरा हुआ है। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो कितनी कामयाब है, यानी मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं एक ऐसे भाई की बहन हूँ हु ऑलवेज बिलीव ऑन हिमसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर क्रू एंड अल्लाह करे पाकिस्तानी सिनेमा बहुत तेज़ी से ग्रो करे, अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव काम। कुछ बातें मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वालों के लिए।
तुम रोक नहीं सकते किसी भी चीज़ को. द रीज़न इज आज मुल्क में बच्चा बच्चा कर रहा है. क्या करोगे? दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं. एक वो जो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर लिख सकते हैं, दूसरे वो जो सिनेमा जाकर पिक्चर देखते हैं. और चूंकि ये साहिर लोधी है इसलिए ये बड़ा सिविलाइज्ड है. समीर से अगर वास्ता पड़ता तो वो कहता चल बे. So the thing is, go and watch the film. जितने भी लोगों के रिव्यूज हैं जो सिनेमा जाके देख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं. कल भी हम कफरी में थे, मेगाप्लेक्स में थे, न्यूप्लेक्स में थे, एंड देन इट वॉज ब्रिलियंट, इट वॉज ब्यूटिफुल. पीपल वेंट आउट एंड दे सॉ द मूवी, दे लाइक द एक्शन, दे लाइक द रोमांस, दे लाइक द एक्टिंग. बाकी तो सारे सिली जोक्स एंड फन की बात है, लेकिन अपनी पिक्चर्स को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करें. बिकॉज अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि आप हर आदमी साहिर लोधी नहीं होता. हर आदमी के पास ये रेजिलियंस नहीं है, हर आदमी के पास खड़े होने का ये विगर नहीं है, हर इंसान के पास खड़े होने का ये हौसला नहीं है. माई क्वेश्चन इज लेट्स ब्रीद. अपनी नफरतों को दबा के लेट्स ब्रीद. द मूवी इज़ एक्चुअली गुड. उस शौक से बाहर निकलो और नफरत की बुनियाद पर कुछ मत लिखो या कहो. उस शौक से बाहर निकलो. यस, साहिर लोधी कैन डू इट. साहिर लोधी हैज डन इट एंड दैट्स व्हाट इट इज. एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट एंड दैट्स इट. इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आज एक्सेप्ट नहीं करोगे नो प्रॉब्लम, कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, परसों नहीं करोगे उसके अगले दिन करोगे, उसके अगले दिन करोगे. आई एम नॉट बैकिंग ऑफ, नाइदर इज माई क्रू और माई टीम. वी आर गोना कीप मेकिंग मूवीज until you also come on board. So it doesn't really matter what you think because you're irrelevant. Lekin ek baat zarur hai un tamam logon ke jis bas itna hi mujhe bolna hai, isse zyada mujhe bolna nahi hai. Main kisi ko mashhoor khama khama nahi karna chahta. To it's because mera show people watch it and main bolunga to naam to sunenge na log. To it's a very simple thing. Dekhiye मूवी देखिए, खुद फैसला कीजिए हाउ इज द मूवी. बिकॉज जितने लोगों को कराची से लेकर पेशावर तक जितने लोगों ने ये पिक्चर देखी है, एवरीवन इज लाइक द फिल्म, एवरीवन इज इन लव विद द फिल्म, एवरीवन इज इन लव विद आवर कैरेक्टर्स. सो आई थिंक आप पे ये लाजिम है कि आप खुद फैसला कीजिए, सिनेमा जाइए, देखिए रास्ता. रास्ता आपके थिएटर के करीब प्ले हो रही है, किसी भी थिएटर में खुद फैसला कीजिए कि रास्ता कैसी मूवी है, आपको पता चल जाएगा. और उसके बाद मूवी देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये पिक्चर बुरी है तो दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही. लेकिन लेकिन मूवी के मेरिट पे फैसला कीजिए. इसकी सिनेमेटोग्राफी देखिए, इसकी इसका म्यूजिक देखिए, इसकी एक्टिंग देखिए, इसका स्क्रिप्ट देखिए, इसकी सॉन्ग की पिक्चराइजेशन देखिए, और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि यह प्योर पाकिस्तानी मूवी है, बोर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान. So having that said, आप जरूर कीजिएगा और जरा दिल फकीर लगाइएगा. Just for old time's sake, I want to do this because अब तो अगली पिक्चर की तैयारी है, जुलाई के अंदर हमारी शूट है. ताली तो बजा दो. इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है. तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं. दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है. दिल फकीर. So watch Rasta and Dr. Lovely, how are you? Yeah, I'm fine, thank you very much. And Rasta is a wonderful movie. I watched it twice, and मैं तीसरी दफा भी देखने जा रहा हूँ इंशाल्लाह. Yo! I like it. I would also like to add one thing. Please articles पे मत जाएं, क्योंकि जो articles लिखने वाले हैं, उन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई है, उनको सही से article भी नहीं लिखना आता. I'm a writer, so I can gauge it. खुद जाके मूवी देखें, बहुत अच्छी मूवी है. साहिर ने बहुत अच्छा काम किया. आई एम अ फैन. यू डिड अ वंडरफुल जॉब. मैं देख रही हूं. हां, एंड में मैं बस रो
I was on the verge of tears, but I'm like, नहीं बेइज्जती हो जाएगी because when I start crying, I really cry. मेरा मेकअप खराब हो जाता है. रोना क्यों आया आपको? तुम मरने वाले थे. फिर एकदम बड़े realistic नहीं मतलब फिर तुम मतलब it was sad. It was your performance. It was, really yeah, was. I mean it was you know you connected. Thank you. सीरियसली मुझे एक जगह रोना आया था और मैं लिटरली मेरे आंसू भी निकल गए थे जब ये अपनी डिग्री रखते हैं और जब ये वो डिग्री रख के छोड़ के जब उतरते और जाते हैं ओ माई गॉड या वो सीन मतलब हम वैसे खान मेरे मैं इस बात भी बता रही हूँ ना मेरे बता देंगे इसका स्टोरी सबको पता चल जानी है. नहीं मैंने इसकी पूरी बात ही नहीं बताई. मैंने इसलिए बताया डिग्री अब ये देखिए कि वो डिग्रियाँ कहाँ रखते हैं ये आपने देखना है और फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या है वो आपको बताना है. अच्छा सीरियसली इट्स अ वंडरफुल मूवी. हमने बहुत मेहनत के साथ बनाई. गो एंड वॉच रास्ता. जरूर देखिए रास्ता को बिकॉज हम मैं प्रमोशनल टूर शुरू कर रहा हूँ कल से प्रमोशनल टूर है कराची के अंदर यानी सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान में. मैं जा रहा हूँ लाहौर और यहाँ पर नवीद होंगे एजाज होंगे अबीर होंगी वो यहाँ पर टूर करेंगे मैं वहाँ पर टूर करूँगा. तो हम आपके घरों में आ रहे हैं. गो रास्ता छोड़ो ब्रेक ब्रेक आपके बजे ब्रेक के बाद मिल जाएगा. अच्छा जी क्या हुआ आपने आना है यहाँ पे क्या करना है? गाना गाना है आपको गाना गाना है. आई आई क्या नाम है आपका? नेहा. नेहा आई है. नेहा नेहा के लिए बहुत सारे तालियां. क्या करती है नेहा माइक में बोलिएगा क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती. क्या क्या स्टडी करती हैं? सेकंड ईयर में. तो आपको क्या सबसे अच्छी क्या चीज लगती है हमारे शो की? अब आपने कह दिया तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ. अब तो गाइए प्लीज आप जरूर गाइए. मुझे भी दे देना पता नहीं कौन सा गाना है बट लेट्स सी. तुझको कसम है मेरी नाना हद खाली आंखों में बसने वाली मेरे चमन के माली. क्या बात है. Here we go. तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली. तालियां नेहा के लिए. ये बढ़ाइएगा थोड़ा सा. क्या बात है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम. तूफान की सरजमी से जोड़ा सभी कलाना दिल है मेरा सवाल मेरे चमन के माली. आपके सामने डॉक्टर लवली का खूबसूरत रक्स. आइए डॉक्टर लवली कम ऑन नाउ यार पश्तो है. परदेश जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम. खूबा की सरजमी से जोड़ा जरी कलाना तुम है मेरा सवाल मेरे चमन के माली. तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली. साथ साथ गाओ. कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम. तूफान की सरजमी से जोड़ा जोड़ी कलाना है मेरा सवाल मेरे चमन की माली. परदेश जाने वाले
जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते सनम। तूफान की सरजमी से जोड़ा जरी का लाना दिल है मेरा सवाल। इनका इम्तिहान लेते हैं, तेज करें। या बात शाबाश यहाँ। उसको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आँखों में बसने वाली मेरे चमन के माली। कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। तूफान की सरजमी से जोड़ा जरी का लाना दिल है मेरा सवाली। मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आँखों में बसने वाली मेरे चमन के माली। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को शहरों और सूबों में बांटते हैं, उनको हम बता दें पाकिस्तान बंटने वाला नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक है। बहुत अच्छे नेहा, तुमने बहुत सही गाया, जैसे मैंने सिखाया तुमने वैसी वैसी गाया। जी डॉक्टर साहब, क्या करने वाले आज? मैं आपको एक ऐसी फेयरनेस क्रीम बनाना सिखाऊंगा। गोरे हो जाएंगे? गोरे भी हो जाएंगे, पिगमेंटेशन भी सही हो जाएगी, आपकी रिंकलिंग भी सही हो जाएगी। तो मुझे हमारा रंग बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है? क्या ख्याल है? एक चीज ऐसी है जिसे हम लगाते भी हैं, खाते भी हैं, हम उसकी तरह बनना भी चाहते हैं, वो देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी होती है। क्या चीज है वो? मक्खन। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको मक्खन फेयरनेस क्रीम बनाना सिखाऊंगा, मक्खन से, नीम से मिरेकल क्रीम जो अवेलेबल है मार्केट में, और काफ से खीरे का रस, हल्दी एक चुटकी, ये ख्याल रखिएगा इसमें हल्दी सिर्फ एक चुटकी लेनी है, और नारियल का तेल। ये चार चीजें आपकी मक्खन क्रीम बनाएगी और आपको मक्खन बना देगी। आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आपके रिंकलिंग ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, टू टोन स्किन खत्म हो जाएगी। मिरेकल क्रीम अवेलेबल है मार्केट। और अगर रानी आपा ने लगा लिया तो रानी मक्खन। एक चम्मच हमने खीरे का रस लिया है, एक चुटकी है ये हल्दी है, और उसके साथ साथ नारियल का तेल है वो एक चम्मच लिया है। ये आपकी मक्खन फेयरनेस क्रीम बन गई है। अच्छा, जो आप ये क्रीम बन गई है जी, क्रीम बन गई है। कौन गोरा कौन होना चाहता है हाथ उठाइए, आ जाओ, तुम्हारे जल्दी आओ, भाग के भाग के आओ, भाग के फास्ट। गोरे होने के लिए सबकी आवाजें आएंगी इधर इधर। अच्छा, गोरा होने के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो भी देगा। टाइम नहीं है, जल्दी आ जाइए, टाइम नहीं है। हाँ ओके। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सन ब्लॉक भी बनाना सिखाता हूँ। कौन सा ब्लॉक? एक वर्ड है ऐसा जो कि हर एज का आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, अपने लिए एक ऐसा एडजेक्टिव है, एक ऐसी सिफत है जो सुन के खुश होता है, वो क्या है? दोबारा बोलिए। क्यूट, दैट्स राइट। तो ये है क्यूट सन ब्लॉक। आसान है, याद रहेगा। मधिया, मधिया ये पूछ रही है कि इन सबको पता कैसे होता है। देखिए, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, माशाल्लाह। ये क्यूट सन ब्लॉक है जो हर किसी को अच्छा बनाएगा, और बहुत इजी है। क्यूकंबर का जूस है एक चम्मच, इसमें अनकुक्ड बीट रूट है जो कि चुकंदर है, चुकंदर को आप कुक नहीं करेंगे, इसको ऐसी मैश करके एक टीस्पून ले लीजिए। टोमेटो पेस्ट एक चम्मच है, और ईफ प्रो कैप्सूल्स ये अवेलेबल है मार्केट में एक, इसमें मिक्स करके बना के रखा हुआ है। इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अच्छा, और ये आप, जी ये आप सुबह सुबह लगा सकते हैं फेस के ऊपर, और उसके लगाने का 15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हल्के से टिश्यू के साथ टैप करें, उसके बाद आप लगा के आराम से धूप में जा सकते हैं या किचन के आगे। अब आइए, सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक, सन ब्लॉक है, क्यूट सन ब्लॉक है, और मक्खन क्रीम है। तो ये आप सबको बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये मक्खन क्रीम है जो इन्होंने लगाई हुई है, मक्खन क्रीम है। आप उधर बैठ जाइए प्लीज, उधर बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम मिसबा, आपका नाम, आपका नाम क्या है? सवेरा। सवेरा एंड मिसबा इधर। आप सवेरा को अब हम लगाने जा रहे हैं सनब्लॉक, और मिसबा को लगाई हमने एक क्यूट सी मक्खन क्रीम। तो अब मुझे बताइए, कुछ फील हो रहा है आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा ना, हल्के हल्के से ना रेडिश आपका चेहरा होता जा रहा है, और अब से 5 मिनट के बाद थोड़ी सी आग निकलेगी इसमें से, तो फिर उसके बाद जब आपका चेहरा जरा से जलने लगेगा, देखिए पहले ये काला होता है 3-4 साल के लिए, उसके बाद हाँ उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस 4 साल आपका चेहरा काला रहेगा, मतलब बिल्कुल ब्लैक स्या इस रंग का हो जाएगा, लोग आपको देखने से घबराएंगे, उसके बाद आप इतनी गोरी हो जाएंगी, लेकिन 4 साल वेट करना पड़ेगा। ओके,
अब तो हो गया, अब क्या नो? अब तो अपने मक्खन क्रीम लगा ली, पहले 4 साल तो काला मक्खन है, बाद में को वाइट वाइट होगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। हाँ सवेरा, ऐसे देखिए सामने सन ब्लॉक लगा है ना इन्होंने। ठीक, आप कहते हैं, सुने बोली बहुत क्यूट है, बोली बहुत क्यूट है, दोबारा आप कहते हैं, बोलो कहते हैं। ये मैं कहता हूँ थोड़ी सी आपको अचानक देख के ना, वो कह रही है बहुत क्यूट लग रही है, आई स्वेयर क्यूट लग रही है। क्या बनना चाहती हैं बड़े हो क्या? बड़े ओके, वैसे तो मुझे स्टडी का भी बहुत शौक है, और बड़े ओके जो नसीब में हुआ वो भी बन जाएंगे। नसीब में दुल्हन बनना होगा है ना? क्या बनना चाहती हैं? इंशाल्लाह। अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी अ डॉक्टर। तो आप डॉक्टर लवली, डॉक्टर लवली की तरह से डॉक्टर होंगे? उसके अंदर हम आपके ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, ये क्रीम जो है ये मेडिकल। आज आपको खुदा हाफिज कहना है, आज आपको खुदा हाफिज कहना है, हमारा टाइम खत्म हो गया, सो यू हैव टू से गुड बाय एंड यू टू टेल देम दैट वी विल सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, वी विल सी यू इन द मॉर्निंग टुमारो at 9 o'clock, और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ जाके रास्ता को देखें, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू गाइज, विल सी यू टुमारो, अंटिल देन बाय बाय, दिस इज माई शो, आप सबका बहुत शुक्रिया, एंड गो एंड वॉच रास्ता, खुदा हाफिज़।